सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को कुंभकर्ण के मुंह के अंदर सरस्वती जी का मूर्ति बना के दिखाएंगे। तो कुंभकर्ण का मूर्ति इस तरीके 7 फीट का करीब बना के दिखाएंगे और उसके जीभ के अंदर सरस्वती जी का मूर्ति बनाएंगे। तो ये मूर्ति का वीडियो बहुत ही पहले अपना मल्टी चैनल पर अपलोड कर चुके थे। तो जो कोई भी अभी तक कुंभकर्ण का मेकिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो अब अपना अमित मूर्ति चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसका छोटा मूर्ति बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत लोग कमेंट करें कि कुंभकर्ण का मुख्य अंदर सरस्वती जी का मूर्ति बना के दिखाओ बहुत छोटा वाला, तो वो भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो कोई भी अमित मूर्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अमित मूर्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंभकर्ण का मूर्ति जिसके ऊपर बनाएंगे उसके लिए एक लकड़ी का थटर बनाया है। तो देखिए इस पर गोल सा छेद कर दिए हैं इसी के ऊपर मतलब बम्बू स्टिक गाड़ करके कुंभकर्ण का मूर्ति को फेस बनाएंगे। तो देखिए पिछले 2017 में बनाए थे और 2021 में बना रहे हैं और ये वीडियो आप लोग को 2022 में दिखा रहे हैं। तो देखिए लंबा इस तरीके से बहुत सारे बम्बू स्टिक को गाड़ देंगे और ये गोल सा सर्किल बना दिए हैं। ध्यान से देखिए गोल सा शेप तैयार किए हैं। तो इस तरीके से गोल सा तैयार कर दिए और ये अंदर में लोहे लकड़ी को बांध रहे हैं स्टैंड टाइप का बनाने के लिए। तो देखिए बना दिए एक बेस, इसी के ऊपर सरस्वती जी का मूर्ति को बनाएंगे यानी कि मुंह के अंदर का तैयार कर रहे हैं। और ये पुआल है मतलब लेवारी है और इसे गोल ऐसा करेंगे शेप तैयार करेंगे इसी से। तो ध्यान से देखिए कि लेवारी को किस तरीके से बांध रहे हैं। तो हल्के हल्के करके मूव करते जाएंगे, हल्के हल्के करके गोल करते जाएंगे। तो बहुत बड़ा सर्किल बनाना है इसी का लेवाड़ी का, तो इस तरीके से 2-4 सर्किल बना देना है जो कि बम्बू स्टिक को एक दूसरे से बांधे रखेगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अभी जो ध्यान से गोल ऐसा सर्किल कर दिए। तो देखिए ऊपर से बम्बू स्टिक में बांध रहे हैं जो गोल ऐसा सर्किल बनाए थे। तो ये बम्बू स्टिक को बांधना बहुत ही ज़रूरी है तभी फेस बहुत अच्छा बनेगा और ये बांस को एक दूसरे से जोड़े रखेगा। तो ये सिर्फ अभी माथे तक का बनाएंगे, उसके ऊपर से खोपड़ी बनाने के लिए अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो अच्छे से रस्सी से बांध देंगे और नीचे में भी गोल ऐसा सर्किल बनाया है। तो ये जो गोल ऐसा सर्किल बना रहे ये कुंभकर्ण का दांत बनाने के लिए सर्किल बनाए हैं। तो उसी तरीके से और भी सर्किल बनाएंगे गोल ऐसा करके लेवारी का। तो देखिए ये मुंह सरस्वती जी का मूर्ति बनाने के लिए कुंभकर्ण का मुंह खुला रहेगा। तो देखिए आगे का होंठ बनाने के लिए ये लेवारी का गोले से सर्किल को बांध रहे हैं। तो ये मेरा दोस्त सब थोड़ा बहुत मदद कर रहा है और बहुत ही जल्द आप लोग को छोटा वाला भी कुंभकर्ण देखने को मिलेगा। देखिए गोल ऐसा कर दिए तो ये कुंभकर्ण का मुंह बना रहा है। तो थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसा कि थोड़ा सा और थोड़ा ऊंचा उठेगा। हम बाद में वीडियो में आप लोग करके नहीं दिखाए थे मगर करके बाद में हम कर लेंगे ऊपर क्योंकि ये बहुत ही छोटा लग रहा है होंठ।
और ये ऊपर वाला दांत बनाने के लिए गोल सा सर्किल बना दिए हैं। तो अंदर में जितना आदमी का रहता है उस तरीका से पूरा करेंगे। और ये ऊपर का खोपड़ी बनाने के लिए प्लस ऐसा सर्किल बना दिए, मतलब प्लस का लकड़ी दिए और इस तरीके से चारों कोने में बम्बू स्टिक बांध देंगे और इसमें भी गोल सा सर्किल बना देंगे, जोड़ देंगे। देखिए गोल सा सर्किल इसमें भी जोड़ रहे हैं। तो ये ऊपर का खोपड़ी बनाने के लिए गोल सा सर्किल जोड़ रहे हैं। और देखिए ये ध्यान से कि ऊपर से लोहे का मतलब क्वाल का लंबा लंबा करके जोड़ेंगे तो ऊपर से भी गोल सा शेप तैयार करेंगे खोपड़ी का। तो ये खोपड़ी को अलग से जोड़ेंगे ऊपर से और बांध देंगे अच्छा से। तो देखिए इस तरीके से चार को गोल से लंबा लंबा करके चार पांच लंबा लंबा पुआल बांध दिए हैं गोल से सर्किल तैयार करने के लिए। तो इसे कुंभकर्ण के ऊपर रख के दिखा दिए और ये अंदर में दांत बनाने के लिए दिखा रहे हैं कि ये दांत बनाने के लिए और वो अंदर में जीभ बनाने के लिए सरस्वती जी का दिखा रहे हैं और ये ऊपर का दांत बनाने के लिए और ये वहीं पर आँख बनाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। और ये ऊपर में माथे के ऊपर है, ऊपर से एक सर्किल बना देंगे, ये वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं। अंदर में सरस्वती जी का मूर्ति बनाएंगे ये बता रहे हैं वीडियो में। तो ये अब जो ऊपर का जो खोपड़ी था पहले नाप लिए थे कि ऊपर में ठीक ठाक बैठता है कि नहीं बैठता। अब सारे खोपड़ी को मतलब सारे पुआल को अच्छे से बांध देंगे एक दूसरे से, अब ऊपर में रख देंगे और इसे भी लोहे के वायर से इसको बांधना पड़ेगा। अब इसे बांधने के लिए लोहे के वायर यूज करना पड़ेगा। तो पहले अच्छा से इसको बैठा देंगे। अब अच्छा से बैठ गया, अब इसे लोहे के वायर से बांध देंगे अच्छा से। तो मेरा दोस्त भी ऊपर चढ़ के बांध रहा है, देखिए जैसा कि देख रहे हैं। अब अंदर में जो दांत के ऊपर जो रहता है वो तैयारी कर रहे हैं, मतलब दांत के ऊपर भी एक रहता है, ऊपर में भी कुछ रहता है, वो अंदर के तैयार कर रहे हैं सेप, अंदर का मतलब कुंभकर्ण के मुंह के अंदर के सेप को तैयार करने के लिए। देखिए लाड़े को बांध रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अंदर का सेप नहीं तैयार करेंगे, अंदर में जो जैसा रहता है वो सारे चीज़ बनाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए ये अंदर में बन चुका है, ये अंदर का सीन दिखा रहे हैं कि अंदर में भी काम करेंगे अच्छा से। तो इतना दूर तक अच्छा से कर लेंगे और उसके बाद सारे मिट्टी को जो बनाए इसको अच्छा से गलाएंगे। तो पहले थोड़ा सा इसमें और पुआल वाल दे देंगे क्योंकि गाल के साथ सेप तैयार कर रहे हैं, नहीं तो मिट्टी ज़्यादा लगेगा। तो गाल के साइड में लारा दे रहे हैं अच्छा से। तो दोनों साइड गाल पे पुआल दे देंगे। तो अंदर में हल्के हल्के करके लारा चिपका देंगे और गाल के साइड में भी लारा चिपका रहे हैं। तो अंदर में लारे को बांध देंगे और बांध दिए और गाल के साइड में भी लारे को चिपका देंगे, बांध रहे हैं। और ऊपर में भी पूरा सेप तैयार कर देंगे पुआल से ही और उसके बाद नाक के लिए भी हल्के से पुआल चिपका दिए। तो मजबूती के साथ पूरा बनाना है, पूरा हिलना उलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा मूर्ति बन के रेडी होगा ना इसीलिए। तो देखिए पुआल में मिट्टी लगा दिए, गीला मिट्टी लगा दिए क्योंकि अच्छा से लगाएं मिट्टी तभी चिपकेगा। तो ये बता रहे हैं कि अंदर में मूर्ति मिट्टी लगा दी और सरस्वती जी का मूर्ति को बांध करके नहीं दिखाएं, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वीडियो नहीं रिकॉर्डिंग किए थे। तो और देखिए पतला पतला मिट्टी का एक चटाई बनाएंगे, इस पर पुआल चिपका करके, जैसा कि देख रहे हैं मेरा दोस्त मिट्टी का पुआल चिपका रहा है। तो इसी तरीका से पुआल को पूरा चिपका देंगे और उसके बाद ये सारे पुआल को जो कुंभकर्ण का जो शेप तैयार किए उसके ऊपर चिपकाएंगे। तो देखिए पहले ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, माथे के ऊपर से चिपका रहे हैं और अगर जो अच्छा से नहीं चिपकेगा तो ऊपर से रस्सी से चाँप करके चिपकाएंगे। तो वीडियो में हर चीज़ दिखा के नहीं रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि अगर जो नहीं चिपक रहा है तो रस्सी से चाँप देंगे।
जैसा ही देख रहे हैं अभी रस्सी फेंके हैं उसको चिपकाने के लिए। तो अच्छा से बांध बनाना है तो अच्छे से तैयारी करना होगा। अब नाक के पास से साइड यानी आँख के पास से भी मिट्टी चिप मतलब पुआल चिपका रहे हैं बढ़िया से। तो इसी तरीके से पूरा पुआल चिपका देंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्योंकि पुआल जो चिपकाएंगे इसी से फेस का कटिंग निकलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पुआल चिपका देंगे, इसको बढ़िया से चिपकाना होगा। तो देखिए आँख के साइड दूसरे साइड में भी चिपका रहे हैं पुआल। तो जैसा ही देख रहे हैं इसमें लगभग में फेस तैयार हो रहा है कि एक राक्षस का फेस देखने में लग रहा है। और गाल पे थोड़ा सा मिट्टी कम लग रहा था तो वहाँ पे भी हल्का सा पुआल चिपका देंगे। पुआल और लारा यहाँ पे दो चीज़ बोलते हैं। और अंदर में भी पुआल चिपका दिए थे, वो अंदर का वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए नहीं दिखाया। तो देखिए ये इस तरीके से चिपका दिए, ऊपर से रस्सी बांध दिए और तीन चार दिन ड्राई होने के लिए छोड़ दिए। अब इस पर भूसे मिट्टी के काम कर रहे हैं, इसके लिए हल्के से पानी से गीला कर दिए। तो भूसा मिट्टी और पुआल का ये छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको पहले जहाँ जहाँ मिट्टी लगने के ज़्यादा जो है तो वहाँ पर चिपकाएंगे पुआल को। तो पुआल जो पुआल वाला मिट्टी से पहले शेप को तैयार कर रहे हैं राक्षस के शेप को। देखिए नाक बना रहे हैं पुआल की मदद से ही, और ये दूसरे साइड का भी नाक बना देंगे। और पुआल की मदद से ही आइब्रो का डिजाइन करेंगे, पूरा ऊपर का डिजाइन करेंगे। तो इसमें ज़्यादा पुआल दिए हुए हैं। तो पुआल की मदद से ही पूरा फेस को तैयार करेंगे, कहीं उबर खाबर है तो उसी को मेकअप करेंगे। तो मुंह के पास भी मिट्टी लगा रहे हैं तो इसी तरीका से पूरा पुआल वाले मिट्टी लगा देंगे। उसके बाद भूसा वाले मिट्टी से थोड़ा प्लेन करेंगे, थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। तो अभी आइब्रो के पास से थोड़ा डिजाइन कर रहे हैं और गाल का शेप तैयार करेंगे। और नाक अब इसमें जो मिट्टी यूज कर रहे हैं भूसे मिट्टी यूज कर रहे हैं यानी चावल का धान और नदी का मिट्टी यूज कर रहे हैं। ये जो मूर्ति बनाए हैं पूरा पूरा नदी के मिट्टी से ही मूर्ति बनाए हैं। तो आइब्रो पास से मिट्टी लगा रहे हैं भूसा वाला। तो इस तरीके से पूरा मिट्टी लगाएंगे। अब कुमकन का आँख को तैयार कर रहे हैं तो इसमें जो मिट्टी यूज कर रहे हैं इसमें भूसा वाला मिट्टी यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि आँख को किस तरीके से बना रहे हैं। तो हल्के हल्के करके मिट्टी लगा करके आँख को तैयार करेंगे। और ये आँख का शेप तैयार हो चुका है। अब आँख के ऊपर से थोड़ा फिनिशिंग करेंगे, थोड़ा आँख के बाहर वाले साइड को डिजाइन करेंगे। तो दोनों आँख को पहले बराबर कर लेंगे। तो ये आँख के ऊपर से जो रहता है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो कुमकन एक बूढ़ा टाइप का बनाएंगे यानी कि ओल्ड मैन टाइप का बनाएंगे, मतलब जुलझुल बूढ़ा थोड़ा भयंकर बनाएंगे। तो जिसके लिए थोड़ा अच्छा से डिजाइन कर रहे हैं, आँख के पास से डिजाइन कर रहे हैं थोड़ा उभरा टाइप का। और उसी तरीके से दूसरे आँख में भी करेंगे, ध्यान से करेंगे। आँख बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए।
अब आईब्रो पास से डिजाइन करेंगे, थोड़ा माथे के पास से पहले अच्छा से प्लेन कर देंगे। तो ऊपर से अच्छा से प्लेन कर दिए, आईब्रो का डिजाइन कर रहे हैं तो देखिए पतला पतला करके मिट्टी लगाएंगे। तो सिर्फ इसमें ऐसे ही आईब्रो का डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि कलर वाले सीन जब कलर वाला बनाएंगे तो इसके ऊपर बाल चिपकाएंगे अलग से, मगर उसके लिए भी थोड़ा सा एक बेस चाहिए तो इसीलिए मिट्टी लगा करके तैयार कर रहे हैं। और ऊपर में आप देख रहे हैं कि बम्बू स्टिक का बनाया है, थोड़ा मूर्ति बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था जिसके लिए ऊपर से बाल बनाने के लिए अलग से जोड़े हैं बम्बू स्टिक का, तो ऊपर नीचे उठने वाला बनाया है, एक फोल्डिंग सिस्टम बनाया है। और ये कुंभकर्ण का माथे का थोड़ा ओल्ड टाइप का डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा झुलझुल टाइप का डिजाइन कर रहे हैं, तो टूल की मदद से इसमें डिजाइन करेंगे बढ़िया से। और ये छोटा सा सींग बना देंगे, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये अंदर में दांत दिखा रहे हैं कि अंदर का भी काम कर रहे हैं। और ये सरस्वती जी का मूर्ति में आप मिट्टी लगा के दिखा रहे हैं, तो थोड़ा अंदर में वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा था, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो बहुत ही जल्द आप लोग को छोटा वाला भी कुंभकर्ण देखने को मिलेगा। तो देखिए शेप तैयार हो चुका है, अब होंठ बना रहे हैं कुंभकर्ण का। तो बहुत इजी तरीके से कुंभकर्ण का होंठ को तैयार कर रहे हैं। और अंदर में दांत का भी डिजाइन के लिए हल्का सा मिट्टी छोड़ दिए हैं, जैसा कि देख रहे हैं साइड से दिख रहा है जगह। तो आप दांत बनाने के लिए मिट्टी चिपका रहे हैं, तो देखिए दांत का डिजाइन, बाहर वाला डिजाइन आप लोग को करके दिखा रहे हैं, अंदर वाला डिजाइन तो आप लोग को करके नहीं दिखा पाए, और बाहर वाला डिजाइन देख लीजिए बहुत इजी तरीके से करके दिखा रहे हैं। और साइड से दो को दांत बड़ा वाला निकाल देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं निकालेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उठाने उठाने में टूट जाएगा, इसलिए छोटा सा ही दांत निकाल के दिखाएंगे। और ये सामने का दांत बना के दिखा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही टूल की मदद से इसमें डाल का डिजाइन, दांत का डिजाइन कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से दांत का डिजाइन कर सकते हैं। और आप लोग के लिए बहुत ही छोटा मूर्ति बना करके दिखाएंगे क्योंकि इतना बड़ा मूर्ति बनाना थोड़ा प्रॉब्लम है आप लोग को, इसलिए छोटा वाला बहुत ही छोटा मूर्ति बना के दिखाएंगे। तो अभी तक जो कोई भी अमित मूर्ति टैलेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अमित मूर्ति टैलेंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये मिट्टी का काम कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही जल्द आप लोग को कुंभकर्ण का मुंह के अंदर सरस्वती जी का मूर्ति का मेकिंग वीडियो छोटा में देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा बना के दिखाएंगे कि कोई भी बना सकता है ऐसा बना के दिखाएंगे। तो आप लोग को ये मूर्ति पार्ट वन देखने में कैसा लगा, तो बहुत ही जल्द आप लोग को पार्ट टू देखने को मिलेगा। तो जो कोई भी अभी तक अमित मूर्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अमित मूर्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।